भी महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं और उनके पीरियड को कुछ दिन रह गए हैं और उन्हें पेट में दर्द होता है, ऐसी में बहुत सी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि उन्हें पेट में दर्द पीरियड आने वाले हैं इसलिए हो रहा है, या उन्होंने सक्सेसफुली कंसीव कर लिया है जिसकी वजह से उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो आपको पेट में दर्द हो रहा है, जो क्रैम्प फील हो रहे हैं, वो आपको पीरियड आने वाले हैं इसलिए हो रहे हैं, या तो आपके अंदर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है और आपने कंसीव कर लिया है जिसकी वजह से आपको पेट में क्रैम्प्स महसूस हो रहे हैं। ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी और प्रेग्नेंट होने पर भी दोनों ही केस में महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। प्रेग्नेंट होने पर पेट के निचले हिस्से में दर्द होने का भी एक कारण है। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है, फिर ये फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और उस समय में महिलाएं सही मायने में प्रेग्नेंट होती हैं। अंदर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है और उस इम्प्लांटेशन के टाइम महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में और कमर में दर्द महसूस होता है और कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन के समय हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है। ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प पेट के निचले हिस्से में दर्द, जो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम होता है, वो आपको पीरियड आने के 2 से 7 दिन पहले होता है। इसलिए बहुत सी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि उनके पीरियड आने वाले हैं या उन्होंने कंसीव कर लिया है, क्योंकि इम्प्लांटेशन क्रैम्प बिल्कुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जैसा ही होता है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है, जो प्रेग्नेंट होने का दर्द होता है, उसकी इंटेंसिटी यानी दर्द की तीव्रता कम होती है पीरियड क्रैम्प के मुकाबले। प्रेग्नेंट होने पर पेट के निचले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन एरिया में और लोअर बैक में कई बार पेट के एक तरफ भी दर्द होता है और ये दर्द कितनी देर तक रहता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ महिलाओं को नॉर्मली 1 से 2 मिनट के लिए दर्द महसूस होता है और फिर बहुत सी महिलाओं को महसूस भी नहीं होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को 2 से 3 दिनों तक दर्द रहता है। अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द होने के बाद पीरियड नहीं आते हैं तो ये प्रेग्नेंट होने का ही संकेत होता है, लेकिन आपको अभी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने पीरियड मिस होने के 8 से 10 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस समय तक बॉडी में SCG हार्मोन इंक्रीज हो जाता है जो आपकी प्रेगनेंसी डिसाइड करता है। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन के टाइम जब उन्होंने कंसीव कर लिया हो तो उन्हें हल्की सी ब्लीडिंग होती है, जिसे स्पॉटिंग भी कहते हैं, जो 1 से 2 घंटे या 1-2 दिन तक रहती है, लेकिन पीरियड की ब्लीडिंग 2 से 7 दिन तक रहती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में मैंने 2 से 3 वीडियो डाली हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको भी हल्की सी ब्लीडिंग हुई है और आप कंफ्यूज हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो आप मेरे चैनल पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो के लिंक हैं उनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपको पीरियड की ब्लीडिंग हो रही है या इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग। अब मैं आपको पीरियड क्रैम्प और इम्प्लांटेशन क्रैम्प में बारीक सा अंतर बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होने पर और पीरियड आने से पहले दोनों ही केस में पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, लेकिन प्रेग्नेंट होने का जो दर्द होगा वो आपके पीरियड डेट के 2 से 7 दिन पहले होता है। पीरियड आने के समय जो आपको दर्द होगा वो पीरियड आने के कुछ घंटे या 1-2 दिन पहले हो सकता है, और पीरियड के समय जो आपको क्रैम्प्स फील होंगे वो सिर्फ पेट में नहीं होंगे, वो आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में भी होंगे, लाइक पैल्विक एरिया, टांगों में, पैरों में, पूरी बॉडी में आपको थकावट और कमजोरी महसूस होती है। लेकिन प्रेग्नेंट होने पर आपको सिर्फ पेट के निचले हिस्से में या कमर में दर्द महसूस होगा और ये दर्द बहुत ही हल्का सा होगा। और अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ आपको अनदर प्रेगनेंसी के सिम्टम भी फील हो रहे हैं, लाइक पेट फूला फूला सा लग रहा है, पेट में गैस बन रही है, या कोई भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम होता है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है ताकि यूट्रस अच्छे से प्रिपेयर हो सके, और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपको पेट में डिस्कम्फर्ट फील होता है। लेकिन पीरियड आने से पहले आपको पेट में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। इसके साथ कुछ महिलाओं को बार बार पेशाब आने लगता है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में यूट्रस की ग्रोथ तेजी से होती है जिसका प्रेशर आपके ब्लैडर पर पड़ता है और बार बार पेशाब आने की समस्या हो जाती है। लेकिन अगर आपके पीरियड आने वाले हों तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
अगर आपके मूड में बदलाव आ रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अचानक से मन दुखी हो जाता है और कभी आप अच्छा फील करते हैं, तो ये सब अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि पीरियड क्रैम्प्स और प्रेगनेंसी के क्रैम्प्स में क्या डिफरेंस होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज़।